हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने किचन प्रत्याश किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं राजमा चावल, सॉरी केवल राजमा बनाने वाले हैं, जो कि बिल्कुल पंजाबी स्टाइल बनाएंगे। जैसे ढाबा में आप खाते हैं वैसे ये राजमा की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। चलिए, हमने इसे कैसे बनाया है आइए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। बहुत आसान तरीका है इसे बनाने का, और राजमा की रेसिपी मैंने बहुत सारी दी हुई अपने चैनल पर, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। एक से एक लाजवाब रेसिपी है। तो यहाँ मैंने चावल के साथ सर्व किया है, और राजमा चावल तो नाम ही फेमस है, तो चावल के साथ ही सर्व किया जाता है। तो यहाँ पर रात भर ये राजमा है जो कि पर्पल वाले हैं, इसको मैंने भिगा लिया था, रात में भिगा दिया था, और सुबह के टाइम हम बना रहे हैं इसको। ये ग्राम में देखेंगे तो 500 ग्राम मैंने राजमा लिया है। अभी इसको प्रेशर कुकर में डालेंगे और इसमें पानी ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नमक मतलब कुछ भी ऐड नहीं किया, बस उबालने के लिए मैंने इसको रख दिया है। पानी राजमा के ऊपर तक आप भरें, उसके बाद से प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दें, और लो टू मीडियम मतलब मीडियम गैस पे आप इसे 8 से 10 विसल आने तक पकने दें, क्योंकि राजमा जो होता है थोड़ा सा टाइम लेता है पकने में। तो यहाँ पे देखिए एक सीटी लग चुकी है, ऐसे ही अपने सारे सीटियों को लगा लेंगे। तब तक जब तक राजमा हमारा पकता है तब तक हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून तेल डाला है, और यहाँ पर मैंने रफली कट किए हुए प्याज लिए हैं, और ये मैंने तेल में भी कुछ भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि प्याज को भून के ना हम पहले निकाल लेंगे। इसे गोल्डन कलर आने तक आपको हाई फ्लेम पे भूनना है, लो फ्लेम बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो ये तेल पी जाएंगे। और हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए आपको इसे पका लेना है, छोड़ना भी नहीं है। देखिए इस पर अच्छा कलर आ चुका है। अभी क्या करेंगे, हम इसको निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें जैसे ऐसे नहीं बनाना चाहते, लेकिन एक बार ऐसे ही बना के ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है राजमा की सब्ज़ी। अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते तो इससे पहले मैंने जो राजमा की रेसिपी शेयर की है उससे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भून के मैंने प्याज को निकाल लिया, उसी तेल मैंने 1 चम्मच ज़ीरा और 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, और साथ में यहाँ पर मैंने डाला है दालचीनी का टुकड़ा, जो कि मेरे पास छोटे छोटे पड़े थे मैंने वही डाले हैं। आप 1 इंच दालचीनी का यहाँ पे टुकड़ा यूज़ करें। उसके बाद से सारे जब मसाले भून जाए ना, तो यहाँ पे लहसुन अदरक और हरी मिर्च, मैंने अदरक 1 इंच लिया है, लहसुन 15 से 17 कलियाँ ली हैं, और साथ में 4 हरी मिर्च लिए हैं। इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका कच्चा पन्ना चला जाए। अभी देख सकते हैं जो लहसुन और अदरक अच्छे से भून चुके हैं। तो मैंने प्याज यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के लिए थे, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हुए हैं, जिसका पेस्ट मैंने बना के और रेडी किया है। और इसे चलाते हुए हमने पका लिया। उसके बाद इसमें ऐड किया हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, और धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इनमें से ऑयल ना रिलीज हो जाए। आप जो मसाले ड्राई मसाले हैं वो लहसुन और अदरक के साथ भी ऐड कर सकते हैं। और जो ये भुना हुआ हमने प्याज लिया था ना, उसका मैंने पेस्ट बना के यहाँ पर डाल दिया है। साथ ही मैं ऐड कर दिया है यहाँ पर नमक स्वाद के अनुसार, और इसे भी अच्छे से भून लेना है आपको। मतलब प्याज तो पहले से ही भुना हुआ है तो उसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन जो टमाटर है ना उसको आपको भुनना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टमाटर हैं अच्छे से भून चुके हैं। सॉरी, जब तक भून रहे हैं ना, अभी भून रहे हैं, ऑयल रिलीज़ नहीं हुआ है, तब तक अपने हम राजमा को चेक कर लेते हैं। प्रेशर कुकर बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए, तो उसके बाद से प्रेशर कुकर को ओपन करें, और इसमें से राजमा मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं जो राजमा अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अभी इस पानी को ना हम मतलब यूज़ नहीं कर रहे हैं, जनरली पानी को हम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं पानी को यूज़ नहीं कर रही हूँ, दूसरा पानी ऐड करूँगी इसमें, क्योंकि पुराना बहुत पुराना राजमा है तो कलर बहुत ज़्यादा डार्क आएगा, इसके लिए मैंने पानी को चेंज कर दिया। और यहाँ पर जो टमाटर है ना वो अच्छे से भून चुके हैं, तो यहाँ मैंने राजमा को ऐड कर दिया है, और राजमा को अच्छे से थोड़ा मसालों के साथ भून लेंगे, ताकि जो भी इसका फ्लेवर है ना वो यहाँ पे आ जाए। अगर आप जो राजमा का पानी डालना चाहते हैं तो डेफिनेटली डाल सकते हैं आप यहाँ पे, लेकिन मैंने नहीं डाला है। बहुत सारे वीडियो मैंने डाला है, लेकिन बस इसी में मैंने नहीं डाला है। यहाँ पर अपने ग्रेवी के अनुसार पानी ऐड करें, अच्छे से मिक्स करें, और 10 से 12 मिनट तक लो फ्लेम पर आप इसे अच्छे से पकने दें। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। अभी इसका ढक्कन लगा देते हैं, और अगर आपको गाढ़ी जो राजमा है वो पसंद है तो थोड़ा सा राजमा मैश करके भी आप डाल सकते हैं। 10 से 12 मिनट बाद ये देख सकते हैं राजमा का कलर, देख सकते हैं कितना बेहतरीन आया है, और जो हमारी राजमा की सब्ज़ी है ना वो बन के रेडी हो चुकी है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप फ्रेश हरे धनिया की पत्ती कट करके और डाले, फिलहाल मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला है, और ये हमारी राजमा की सब्ज़ी। और फ्रेंड्स, लास्ट में मैंने गरम मसाला दिखाना भूल गई हूँ, तो आप लास्ट में गरम मसाला फिर मैं एक मसाला यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने राजमा चावल के साथ सॉल्व कर दिया है, और ये हमारी राजमा चावल बनकर रेडी हो चुका है, साथ में प्याज, नींबू, हरी मिर्च, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।